नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। लोकसभा चुनाव 2019 के एग्जिट पोल में राजग को बहुमत मिलने के पूर्वानुमान के बीच बीजेपी ने अपनी अगुवाही वाले इस गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती देने और सरकार गठन के बारे में विचार विमर्श के लिए मंगलवार की शाम को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में यहां पर गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ और उनके तमाम नेताओं की बैठक बुलाई। और वहीं बीजेपी मुख्यालय में यहां पर केंद्रीय मंत्री और साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं की यहां पर साथी बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी यहां पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आज कोई अहम बैठक की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, स्मृति ईरानी और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई उच्च पदाधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5 साल के कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग के आभार को व्यक्त करने के लिए की, जिस पर उन्होंने कहा कि आप लोगों के सहयोग से मैंने 5 साल देश की सेवा भरपूर की और अच्छे प्रकार से मैं कर सका। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए अगर फिर से 23 मई को जो नतीजे सामने आएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से सत्ता में आती है, तो किस प्रकार से वो आने वाले 5 साल में देश की जनता की सेवा करेंगे, इस पर भी उन्होंने अपने सभी केंद्रीय मंत्रियों और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। आपको बता दें कि इस चर्चा को हम चाय की चर्चा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चाय की चर्चा उन्होंने आज शाम को की है बीजेपी मुख्यालय में, और आज रात को 8 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए के मंत्रियों को और अपने केंद्रीय मंत्रियों को डिनर पार्टी भी दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने इन सभी लोगों को निमंत्रण दिया है जिन्होंने उनकी सरकार बनने के बाद देश में उनकी देश में जनता की सेवा करने के लिए भरपूर सहयोग दिया था और जिनके समर्थन से दोबारा से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन राम शरण के साथ मैं कंचन अरोड़ा, लाइव 24 न्यूज़।